देखिए आज हम जाने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 9 है और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। आज का टॉपिक भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। तो भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती थी और उसमें पद क्या थे, इसको कहा था शाही नौकरशाही। क्या होता है शाही नौकरशाही। तो इसमें देखिए हाय क्या मतलब इतिहासकारों ने मतलब भर्ती प्रक्रिया को एक वर्ड दिया अभिजात वर्ग। क्या क्या अभिजात वर्ग मतलब सेनाओं के समूह को ना मतलब अलग अलग पार्ट को कहा अभिजात वर्ग। अब अभिजात वर्ग में क्या होता था, तो इसमें भर्ती जो है ना धार्मिक समूह से होता था। भर्ती का था धार्मिक समूह से होता था और यह सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वो सत्ता के विरुद्ध चला जाए या ठीक है या सत्ता का चुनौती दे सके। तो ये पहला है क्या, ये मतलब जो अभिजात वर्ग था इसमें सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी दल जो है इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो सत्ता को क्या करे जी राज्य को चुनौती दे सके या सत्ता को चुनौती दे सके। और आरंभिक से ही मतलब स्टार्ट से ही तुरानी और ईरानी अकबर के शाही सेवा में रहते थे। ठीक है ना, तो स्टार्ट से ही अकबर के शाही सेवा के दीवार शाही सेवा में कौन रहते थे, तो तुरानी और ईरानी रहते थे। फिर 1560 में भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों का प्रवेश हुआ। 1560 में क्या हुआ जी, भारतीय मूल के दो शासकों ने मुगल दरबार में क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है, इस पद में गए और कौन कौन भाई था, राजपूत और मुसलमान। ठीक है ना, राजपूत और क्या जी मुसलमान। मुसलमान में क्या जी शेख जदाव ने, हाँ शेख जदाव मतलब बड़े लोगों ने गया। अब राजपूतों में भाई साहब प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन गए थे, तो अम्बेर का राजा भरमाल। क्या जी भरमाल, ये क्या थे कछवाहा थे। क्या था जी कछवाहा थे। ठीक है, अब जो अम्बेर के राजा भरमाल थे इनकी एक पुत्री थी। क्या जी पुत्री, और इन्हीं के पुत्री से विवाह किसका हुआ, अकबर का। ठीक है ना, अकबर संग लिखा हूँ पुत्री संग। क्या जी अकबर। तो पूछ लिया जाएगा कि वह मतलब है क्या कि मतलब भरमाल के पुत्री का विवाह जो है किससे हुआ था, तो अकबर से हुआ था। भरमाल कौन थे, एक कछवाहा थे और ये प्रथम राजपूत थे। क्या थे, प्रथम राजपूत थे जो अकबर के दरबार में प्रवेश किए थे। अब आगे देखिए, अकबर ने वित्त मंत्री कौन थे, टोडरमल। कौन थे जी टोडरमल, और टोडरमल एक खत्री जाति के थे। किस जाति के, खत्री जाति, और ये हिंदुस्तानी थे। क्या था जी हिंदुस्तानी मतलब हिंदू धर्म के थे। और जहांगीर के शासक में ईरानियों का उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासक में ईरानियों क्या हुआ जी, उच्च पद प्राप्त हुआ। और नूरजहां कहां की थी, ईरान की थी। नूरजहां कहां थी जी, और बेगम जो नूरजहां थी वो कहां की थी, ईरान की। फिर औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद नियुक्त किया। देखिए जहांगीर जो है ईरानियों को उच्च पद पर बैठाया, ठीक है ना, मतलब अफसर बनाया। और जो औरंगजेब है वो किसको बनाया जी, राजपूतों को उच्च पद पर बनाया। और आपका है क्या, दो तरह के पद होते थे, एक जात और एक सवार। एक जात और क्या जी सवार। जात जो है मनसबदार के पद और वेतन तय करता था। जात करता था मनसबदार और मनसबदार के पद और क्या जी वेतन तय करता था। और फिर आपका जो सवार है वो सेवा में कितने घुड़सवार होंगे, कितना कोई रखेगा आदमी, वो तय करता था क्या जी सवार। फिर 17वीं शताब्दी में 1000 से अधिक मनसबदार को अभिजात कहते थे। क्या कहते हैं जी अभिजात कहते थे। मतलब 17वीं शताब्दी में जो 1000 से अधिक या 1000 मनसबदार को क्या कहते थे जी अभिजात कहते थे। और एक और बता पता चल गया, उमरा जो कि अमीर का बहुवचन है। अमीर का बहुवचन क्या जी उमरा। क्या जी उमरा। अब प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवार को भर्ती करता था। क्या करता था, घुड़सवार को भर्ती करता था। फिर आपका है क्या, मनसब प्रथा की शुरुआत जो है अकबर ने किया था। किसने किया था जी, मनसब प्रथा की शुरुआत किसने किया, अकबर ने किया। फिर अभिजात वर्ग के कुछ लोगों, अब मनसब प्रथा क्या हुआ, अभिजात कुछ लोगों को शिष्य या मृद, शिष्य क्या जी मृद मानते, मतलब अकबर का डायरेक्ट रिलेशन होता था। अब किसे, अभिजात वर्गों से। अब देखो मीर बख्शी जो है उच्चतम वेतन दाता थे। क्या जी उच्चतम वेतन दाता थे। और आपका है क्या, ये बादशाह के राइट साइड की ओर खड़ा होते थे। कहा होते थे, बादशाह के राइट कार्य नहीं बोलता, ये राइट हैंड उसी तरह का। अब भाई कहते हैं, हाँ केंद्र में दो तरह के महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, एक दीवाने आला और एक तैनात किताब, सॉरी एक दीवाने आला और एक मदद मास। दीवाने आला कौन होते थे, वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंशियल काम देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमी वाला जो पैसा वाला होगा। और मदद मास मतलब क्या जी, शूद्र, उस शूद्र भी कहा जाता था इसको, क्या दिए अनुदान मंत्री। अनुदान मतलब गिफ्ट किसी को देंगे, कितना कितना तय करेंगे। अब एक और था तैनात ए रकाब। क्या जी तैनात ए रकाब, ये क्या था भाई साहब, तैनात ही तैनात एकदम तैनात रहेंगे। अब किसी लिए तैनात करेंगे, तो राजा के लिए तैनात रहेंगे। तो बादशाह के घराने के सुरक्षा के लिए हमेशा ये क्या करते हैं, दिन रात 24 घंटा तैनात रहते।
अब दिखाएंगे सूचना और साम्राज्य। तो मीर बख्शी दरबारी लेखकों के समूहों का निरीक्षण करता था। तो जो मीर बख्शी था उसका काम क्या था कि जो दरबारी लेखक है उनका क्या करना, निरीक्षण करना, देख रेख करना, कौन अच्छे से काम कर रहा है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये बात करना। फिर समाचार पत्र और जो वृत्तांत होते थे उसे बांस के डिबे में लपेट कर, मतलब जो समाचार पत्र या वृत्तांत उसमें लपेट कर लिया जाता था, बांस के डिबे में लपेट कर। और आपका है क्या हरकार, हरकार मतलब खुशी दिया पथ मार, खुशी देखा जी दिन रात दौड़ते रहते, मतलब समाचार पत्र को यहाँ से वहां तक लेकर जाते रहते। अब आगे पॉइंट है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। तो देखिए आपका है क्या मतलब केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, बहुत सारी जैसे दिन था, बख्शी था, तो सदर था, सूबेदार था। सूबेदार कौन था, प्रांतीय शासन का प्रमुख, क्या था जी सूबेदार किसे कहते थे, प्रांतीय शासन के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। फिर आपका है कानूनगो था, कानूनगो कौन था, राजस्व आलेख का रखवाला था, मतलब राजस्व कितना आ रहा है उसको सब मतलब लिखा पढ़ती करता था। फिर चौधरी किसे कहते थे, तो राजस्व संग्रह करने वाला मतलब टैक्स लेने वाला, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं चौधरी, जैसे बोल चाल भाषा में ज्यादा चौधरी बन रहे हो, मतलब जो भी मतलब जबरन पैसा मांगने आता है।